साथियों आप देख रहे हैं YouTube चैनल खेती बाड़ी विद जय। साथियों आज हम बात करेंगे बायर का फाइनेंस क्विक और सिंजेंटा का चेस। बायर का फाइनेंस क्विक जो है वो तना छेदक के नियंत्रण के लिए है और सिंजेंटा का चेस धान में लगने वाले जो भूरा माहू है उस कीट के नियंत्रण के लिए है। साथियों ये जो बायर का फाइनेंस क्विक है ये 100 ml प्रति एकड़ की दर से इसका छिड़काव किया जाता है और ये जो चेस है ये लगभग 120 से 130 ग्राम प्रति एकड़ के दर से इसका छिड़काव करते हैं। साथियों ये जो बायर का फाइनेंस क्विक है ये धान में लगने वाले तना छेदक कीटों के लिए काफ़ी प्रभावकारी दवा है। इसका जो टेक्निकल नेम है वो फ्लुबेंडियामाइड 8.33% और साथ में इसमें डेल्टा मेथ्रीन है जो कि लगभग 5.5% इसमें मौजूद है और ये दोनों तत्व मिलकर तना छेदक पर ये नियंत्रण देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग सिंजेंटा की चेस के ऊपर जिसमें काफ़ी पुरानी दवा है और किसान भाइयों के बीच धान की फसल में काफ़ी लोकप्रिय दवा है। ये जो दवा है ये भूरा माहू के नियंत्रण के लिए काफ़ी अच्छी कारगर दवा है। साथियों ये जो आप धान देख पा रहे हैं ये रबी सीज़न 2023 का धान है और इसमें जैसे आप देख पा रहे होंगे अभी बालियाँ निकली हुई नहीं हैं, कहीं कहीं पर बालियाँ निकल रही हैं और इस वक्त बालियों निकलने के पहले अगर हम तना छेदक और भूरा माहू की दवा का स्प्रे कर देते हैं तो ये जो है काफ़ी अच्छा समय होता है और इस दौरान अगर आप इन दोनों बीमारियों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो फिर धान में इस रोग का प्रकोप जो है वो बढ़ नहीं पाता है और हमारी जो बालियां हैं वो सही ढंग से निकल पाती हैं। अन्यथा तना छेदक का प्रकोप होने पर बालियाँ निकलने के बाद हमें काफ़ी सारे सूखी हुई बालियाँ दिखाई देती हैं जो कि तना छेदक के कारण होती है। तो ये जो समय है किसान भाइयों बाली निकलने का समय, इस समय में हमें ये जो दवा है इसका छिड़काव कर लेना चाहिए और जब हम बाली निकलने के पश्चात जब दवाई का स्प्रे करते हैं तो इनमें जो परागण की क्रिया है वो बाधित होती है और दवाई के असर से इनमें जो दाने होते हैं वो सही ढंग से भर नहीं पाते हैं, फूल झड़ जाते हैं। इसलिए या तो हमें बाली निकलने के पूर्व ही दवा का स्प्रे कर लेना चाहिए या बाली निकलने के पश्चात जब उसमें दूध भरने की स्टेज आती है तब दवा का स्प्रे करना चाहिए, अन्यथा काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने की इसमें संभावना बनी रहती है। इसके अलावा साथियों इस अवस्था में अगर हम किसी अच्छे फंगिसाइड का अगर स्प्रे कर देते हैं तो फफूंद जनित रोग होते हैं जैसे बालियों का बदरंग होना या जैसे किन्हीं किन्हीं जो धान में नेक ब्लास्ट जिसे हम लोग कोकड़ी बाल कहते हैं वो लगता है, तो हालांकि ये वाले जो धान है इसमें नेक ब्लास्ट की शिकायत नहीं आती है और ना ही इसमें चरपा का प्रकोप है और इसमें हम लोग प्रिकॉशन के तौर पर हालाँकि फंगिसाइड का स्प्रे कर रहे हैं लेकिन कुछ जैसे महामाया नाथपोहा इत्यादि जो वेराइटियाँ हैं उनमें ये जो फफूंद जनित रोगों का प्रकोप होता है, तो ऐसे जो वैरायटी जिनमें फफूंद जनित रोगों की लगने की जो संभावना है वो अधिक होती है उनमें ये जो अच्छे किस्म का फफूंद नाशक का स्प्रे करना भी ज़रूरी है। तो किसान भाइयों आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और निश्चित ही आप इस जानकारी से कुछ ना कुछ ज़रूर लाभ उठाएँगे और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।